मेरा नाम है ईगो हटेला, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। भाई साहब मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो आप। अब सामने से हटो, मुझे इम्पोर्टेंट काम। इम्पोर्टेंट काम? ओह माय गॉड, तो मुझे क्या तुमने चूतिया समझ रखा है भाई साहब? भाई इसमें समझने वाली क्या बात है, तू है? अब बहुत मजाक हो चुका है, अब जल्दी से सारा पैसा निकाल दे जो कुछ भी है, वरना आगे तू खुद समझदार है। हाँ हाँ भाई साहब देता हूँ। अरे अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए यार कामों का। मैं एक्टिंग कर रहा था भाई साहब, अभी थोड़ी देर में ना मेरा ऑडिशन है, तो कपिल शर्मा शो में मेरा ऑडिशन है, तो भाई उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। कैसी लगी एक्टिंग? ये तो मैं नकली है भाई साहब, नकली है, बिल्कुल नकली है। कैसी लगी एक्टिंग मेरी? एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तूने जज गलत चुन लिया। ए है ईगो हटेला, ए अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है, लेकिन आपने इसकी असलियत तो देख ही ली है। भाई साहब एक कुरकुरा कितने का है? 5 रुपए का है। अरे भाई साहब मजाक अच्छा कर लेते, ये 5 की 3 नहीं आते, मुझे अच्छे से पता है। देख भाई तू यहाँ से चला जा, मेरा पहले से बहुत मूड खराब है। देखो भाई साहब जो तुम इतनी अकड़ दिखाते हो ना, एक दिन ऐसा आना जूते से मैच करके साइड बदल लिया साइड, समझे? हाँ तेरी औकात भी इतनी है, गाड़ी तो पैसे नहीं बदल पाएगा। लक्की जो कि बिल्कुल भी लक्की नहीं है, आपने तो इसे देख ही लिया होगा। अब चलिए मिलते हैं वीडियो के तीसरे कैरेक्टर से, जो कि इससे भी बड़ा चूतिया है। अरे मैं क्या हाल है मैडम जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और घर पे सब ठीक है? घर पे भी सब ठीक है। हाँ और आपके? मेरी भी। अरे मैडम जी कहीं घूमा लाऊं फिर? हाँ ठीक है, कितने पैसे लोगे आप? पैसे? मैं पैसे क्यों लूंगा आपसे, मैं आपको छेड़ रहा हूँ। तो फिर तुम क्या मुझे फ्री में घुमाओगे? Obviously किसी के पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि मेरे को फ्री में घुमाए, या तुम्हारे पापा भी इतना नहीं कमाते होंगे। Obviously किसी के बाप के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो मुझे फ्री में घुमाए। पैसे तो नहीं है मैम, घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है। ओके ओके सब ठीक हो जाएगा, ये लो पैसे। थैंक यू मैम, मैं घुमा लाता हूँ, मैं घूम लूंगी। ये है हमारा मजनू, ये अपने आप को बहुत बड़ा लौंडियाबाज समझता है, लेकिन अफसोस की बात ये है दोस्तों कि लड़कियां इसी को छेड़कर चली जाती है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो अटेले, किस लिए बुलाए हम लोगों को इतने अर्जेंट में? तुम लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। क्या? हाँ तो लक्की, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है मुझे ये जानना है। मेरा? अरे बढ़िया चल रहा है भाई, अभी तो आया मैं उषा से, फ्लाइट से। अच्छा तेरा मतलब है यूएसए? हाँ भाई। अच्छा अच्छा, मजनू भाई तेरा कैसा चल रहा है? मेरा? मेरा तो भाई साहब ऐसा चल रहा है, ऐसा चल गया है कि पूछो ही मत। कली लोंडियों को लेकर गया था मैं, अम्बानी और बिल गेट्स की। अच्छा? दोनों की दोनों भाई साहब इस कदर प्यार में पागल हो गए, इस कदर प्यार में पागल हो गए कि दोनों को दोनों ने शादी के लिए बोल दिया। लेकिन तुम्हारा भाई ठहरा भाई सख्त लोंडा, मैंने सीधा मना कर दिया। अपन शादी वादी के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, कूल राइफ जीने का, अकेले रहने का, समझा गया? वाह भाई वाह, मजनू भाई इस बात पे एक सेल्फी हो जाए, इसको ना स्नैप पर डालूंगा। डाल। अबे भोसड़ियों के, तुम्हारे बाप दादा पन्नी बीनते फिर रहे हैं और तुम अम्बानी और बिलगेट्स की लोंडियों के साथ डेट पे जा रहे हो, और तू भोसड़ी के ऊषा नाम लेना तो सीख जा ठीक से पहले। देखो मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों का धंधा अच्छे से नहीं चल लिया है, समझ रहे हो ना? मेरा भी अच्छा नहीं चल लिया, सबकी फटी पड़ी है। तो मेरे पास एक प्लान है, कहो तो मैं बताऊं। कैसा प्लान? ये रहा नक्शा। ये भी पढ़ाई करवाएगा पंती? अबे भोसड़ी के पूरी बात तो सुन ले, मेरे पास ये नक्शा है एक घर को लूटने का। अपन आराम से इस घर को लूट लेंगे और करोड़पति हो जाएंगे रातों। क्या चोरी? नहीं नहीं भाई साहब, आपने अपने प्लान को बत्ती बनाकर डालो अपने पिछवाड़े में, हमें नहीं करनी कोई चोरी मोरी। तो पता भी अपने एरिया का दरोगा कितना खतरनाक है, अगर हम पकड़े भी गए इतने पट्टे चलेंगे तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे नहीं करनी भाई साहब कोई चोरी मोरी। अबे सालो, तुम दोनों साले गरीबी मरोगे बिल्कुल। जरा सोच कर देखो, हम लोगों ने अगर चोरी कर ली और वो करोड़ों रुपए हमारे पास आ गए तो सोचो तुम दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, सोचो जरा। अब इसके आगे तो बता के चोरी कैसे करें हम। तो सुन, ये रहा प्लान, हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ सन्नी लेनी के घर के पीछे से जाएंगे, पीछे से वो सब तो ठीक है कि हम लोग ऐसे जाएंगे चोरी करने, उसकी टेंशन तुम लोग मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। I'm the king of the dark, this villain is sent cold. Our times are lethal, they make your heart bold. I walk the shadows, causing havoc and despair. You can't escape my wrath, I'm everywhere. I've got a smirk on my face, a devilish grin. I'll take you down and I won't let you win.
वाह भाई मजा आ गया। एक आदमी तक नहीं है साला इस घर में, परिंदा तक पर नहीं मार सकता। दादा भाई तो भाई सच्चे मजा आ गया। इन पैसों में था जड़ जाकर था ही मसाज कराऊंगा। क्या बोला था तूने? क्या एक आदमी तक नहीं है और परिंदा पर तक नहीं मार सकता? यहाँ पर साले पूरी की पूरी बारात खड़ी है, बारात। एक मिनट भाई साहब, एक दो तीन चार, एक मिनट रुकना भाई। साले कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आ जा भाई साहब। हेलो दरोगा साहब, जल्दी से गंडेली रोड पर आ जाओ, मेरे घर पे चोर घुसा है। हाँ अरे तुम लोग घबराओ मत, ए साला दरोगा का बच्चा बन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि फूफा जी विधायक है। साला एक फोन पे माफी मांगता फिरेगा, समझे कि नहीं? सुन लिया दरोगा साहब, फूफा जी विधायक है हमारे, अभी भी मौका है, समझदार लगते हो। अगर नौकरी मौकरी चली गई ना तो कल के दिन बहू भी ना टिकेगी तुम्हारी, निकल लेगी दो मिनट में। अरे भाई ये साला पुलिस के बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, तुम लगा ही दो फूफा जी को कॉल। ऐसे नहीं मानेगा, तू सही कह रहा, मैं बताता हूँ। एक मिनट फोन कहाँ गया? हवलदार देखो आजकल लोग कैसी कैसी रीलें बना रहे हैं। ऐसी रील तो आती ही रहती हैं सर, सहन का दिखिए आप। हाँ भैया, कहाँ है आपके आदरणीय विधायक जी, बताइए। हवलदार एक काम करो, विधायक जी का चाय नाश्ता तो होता रहेगा, पहले इनका चाय नाश्ता करवाइए, जाइए करिए इनकी खातिरदारी अच्छे से।
चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी। पर दरोगा, बस एक मिनट, ये प्लेन इतना नहीं करता, इसको मारो। बस दरोगा सब, बस बहुत हुआ। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि चोरी हम तीनों ने क्यों की थी? हाँ हाँ, किस लिए करी थी चोरी बता। दरोगा साहब, इसकी बहन घर में कुंवारी बैठी हुई है, लड़के वालों का रिश्ता आया था, साले ने दहेज में अल्टो मांग ली। दरोगा साहब, इतना बजट तो नहीं था अपना, इसलिए चोरी की थी। सो सैड लकी, तेरी कोई छोटी बहन भी है, तूने आज तक हम लोगों को बताया नहीं। पुलिस से झूठ बोलते हो? अरे यार, बहुत दिन हुआ यार कोई लौंडिया छेड़ हुए, अब तो ना दो चार को तो दबी उची लूंगा अब यार। बस कर दी छोटी बात, आ गए अपनी असली औकात पर। कहाँ गए वो सपने जो तुम लोगों ने देखे थे? अरे हटेला तू चुप ही रहे, हम जैसे भी है ठीक है, हमें नहीं बनना भी, हम गरीब ही ठीक है, समझे? चलो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ होटल में खाना खाने। मैंने सोचा था खाना खाते खाते प्लान बताऊंगा, लेकिन अफसोस अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। देख लगी, इसकी बातों में मत आना, या मैं होटल का लालच देके ना बेला फुसला रहा है, चल यहाँ से। देख लो, कल के दिन अगर मैं बड़ा आदमी बन गया और तुम लोगों के सामने लम्बर गंडी में बैठ के निकलूंगा यू, और तुम लोग किसी सिग्नल पर खड़े होकर मेरी गाड़ी का शीशा साफ कर रहे होगे और रैम की भीख मांग रहे होगे, भाई मुझे माफ कर दे, अपने पास रख ले, तो फिर नहीं हो पाएगा, अभी भी वक्त है, लौट आओ। भाई हटेला मेरा भाई, भाई हम लोग तो भाई मजाक कर रहे थे भाई, प्लेन बताना भाई क्या है, प्लेन बताना भाई। Oh my God! Wow! रुक जा हत्ती के चूरण, इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आया है क्या? तुझे पता है ना खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, चल जा कर हाथ धो करा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं अभी आता हूँ हाथ धो कर। आज तो इतनी रोटी सूतूंगा, इतनी रोटी सूतूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। ना क्यों फुला रहा है आती के चूरण, खा ले, वैसे भी तेरी इतनी औकात है, कल को तो ये खरीद लेंगे हम वैसे भी। तुम दोनों ध्यान से सुनो, इस बार का प्लान बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होगा। कैसे? क्योंकि इस बार हम एक ऐसा घर लूटेंगे जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, और मैंने तो सुना है बल्कि वहां पर बहुत सारा सोना भी है।
अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो अभी तक तो कोई भी जाकर निकाल लेता। बस भाई साहब यही तो खासियत है उस घर में। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं उस घर में चुड़ैल रहती है। लेकिन चुड़ैल बुड़ैल तो कुछ रहती नहीं है, फर्जी की बात है। भोसड़ी के हाथ डाल के हाथ निकाल लेगी चुड़ैल से, मजाक मत करियो। अरे तू 2 मिनट के लिए चुप बैठने लगी, चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होती। भाई तू प्लान बता क्या है। हाँ तो मजनू भाई प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे रात में सर बिल। लक्की दे दे पैसे भाई को और 10 का बंधा हुआ देना टिप में, भाई ने अच्छी सर्विस की है। अच्छी सर्विस? ये अच्छी सर्विस कहाँ से लग रही भाई सब आपको? मजनू भाई कर दो पेमेंट। पेमेंट? किस चीज की पेमेंट भाई साहब? मैं तो ये लेकर आया था तो यही करेगा पेमेंट। अजीब, मैं लेकर आया इसका क्या मतलब है? मैं तो तुम्हें जीपी रोड पर भी छोड़ दूं तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे ना, है ना भाई साहब? जब इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाने की औकात नहीं होती तो आते ही क्यों हो तुम लोग? सर बिल, बिल भाई साहब बहुत ही गंदा टॉयलेट है यार, इससे अच्छा तो हमारी लोकल ट्रेनों का रहता है। बस लक्की आज की बात है, कल कुत्ते होटल हम खरीद लेंगे, वैसे भी अपने होटल समझ के साफ कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? चल मनोज की वाला, एक तो दरबार आना तेरे साथ तो ये कटोरा लेकर रूट पे बैठना पड़ेगा, समझे? पंद्रह साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। भाई भाई क्या है यार, चल दे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं होता यार, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, चुपचाप काम पे ध्यान दो, समझदार, एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। आओ भाई चल। भाई तुझे कुछ सुनाई दिया? अबे नींद में है क्या टक्कर? एक काम कर, तू मुंह धो ले, तब तक हम लोग जाके ऊपर कुछ देखते हैं। चल जल्दी होकर आना। भाई इस घर में ना ये चुप चुप क्यों? अबे क्या चूचू लगा रखा है, कुछ भी नहीं है ऊपर। भाई माँ कसम इस घर में चुड़ैल है। देख भाई तूने अपने दिमाग में चुड़ैल बिठा के रखी, इसलिए हर जगह तुझे चुड़ैल मुड़ैल दिखाई दे रही है, लेकिन चुड़ैल मुड़ैल तो कुछ होती नहीं। चलो बच्चा जल्दी से काम पे लगा। और सुन, तेरे मुंह से मैं चुड़ैल का नाम सुन नहीं लूं, अगर दिमाग खराब करके रख दिया तब से अंदर आ चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। भाई
भाई भाई, ये वही कमरा है जिसमें हजारों साल से बेशुमार दौलत छुपी है, लेकिन अब इसे ले जाने का टाइम आ गया है। हाँ भाई, फिर हम उसके बाद अमीरों की तरह जीने लगेंगे भाई। हाँ मेरा भाई, चलो। चोरी करने आया था, वो भी अटेला के कहने पर। अब मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुम तीनों जैसे कुछ समय पहले आए थे, उन्हीं तीनों चोरी करने के लिए आए थे, और उन्होंने मेरे को अकेला पाकर मेरे साथ गलत किया, और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मेरे को गलत समझा, और समाज ने भी मेरे को गलत समझा, और हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बंद कर दिया। और जब जो भी तुम जैसे लोग यहाँ पे आते हैं चोरी करने के लिए, उनका यही असर होता है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ तक आ गए हो तो अच्छी लगी होगी। बाकी यार बहुत टाइम लगा, 3 महीने में बन पाई ये वीडियो, तो यार बहुत मेहनत हुई सच में। तो लाइक कमेंट तो कर ही देना, 10 की चाहिए इस वीडियो पे। औकात भाई औकात, ये भाई 30 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो आप भाई सच्चे व्यूअर हो। तो ये वीडियो को आपने पूरा देखा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपना फेवरेट बात कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी क्या लगी आपको वीडियो, जिससे इससे और अच्छी वीडियो हम लोग बना लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई और हाँ एक चीज़ और भाई, किसकी अच्छी एक्टिंग थी? और हाँ भाई, अगर कोई गलती हुई तो सॉरी, बाकी आप बता देना, क्योंकि हम लोग उसको सही करेंगे, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। और भाई एक्टिंग कौन की अच्छी है, किसकी बुरी है, सब बता देना कमेंट में। ज्यादा अच्छी तो भाई ऑब्वियसली मेरी होगी।